भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और मंदिर से जुड़े 11 आश्चर्यजनक तथ्य। उड़ीसा में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का भी रथ रहता है। ये तीनों रथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। आइए जानते हैं इस बारे में खास और रहस्यमयी बातें। नंबर एक, हवा से विपरीत लहराता है झंडा। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। नंबर दो पर है रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। नंबर तीन, नहीं दिखती मंदिर की परछाई। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान पशु पक्षी की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यह मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। नंबर चार, 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियाँ। यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली भी काट दी जाती है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है। नंबर पाँच, नहीं नज़र आते पक्षी। आमतौर पर मंदिर या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा जाता है, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना ही कभी कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया है। नंबर छः, मूर्ति में नहीं है किसी के हाथ पैर और पंजे। सुनने में ये बात अजीब ज़रूर लगती है, लेकिन ये सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा ये है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी ये शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी रह गईं, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तब से इन तीनों मूर्तियों के हाथ पैर और पंजे नहीं होते। मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। नंबर सात, रथ यात्रा में जगन्नाथ मंदिर के तीन देवता जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा तीन अलग अलग रथों पर सवार होते हैं। इसी कारण से रथ यात्रा को रथों का उत्सव भी कहा जाता है। उनके अलग अलग रथों को नंदी घोष, त्वालध्वज और देवदलन कहा जाता है। नंबर आठ, ओडिशा रथ यात्रा महोत्सव में रथों को आगे बढ़ाने वाले भक्तों का कहना है कि जैसे ही उत्सव शुरू होता है, भगवान जगन्नाथ पहले तो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं दिखते,
भले ही उनके सामने सैकड़ों लोग उन्हें धक्का दे रहे हों और खींच रहे हों। तीव्र दबाव और खिंचाव के बावजूद भगवान जगन्नाथ का रथ स्थिर दिखाई देता है। कई घंटों की दिव्य मेहनत के बाद भगवान आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं और उनका रथ चलना शुरू हो जाता है। नंबर 9, हर दिन बदला जाता है ध्वज। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 10, भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम प्रतिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गर्भगृह से बाहर लाते हैं और उन्हें सहस्त्र स्नान कराया जाता है। ठंडे पानी से नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है। इसके कारण भगवान को 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान उन्हें कई औषधियाँ दी जाती हैं। औषधि के रूप में काढ़ा पिलाया जाता है, सादे भोजन जैसे खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद वो पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद तीनों देवी देवता रथ यात्रा पर निकलते हैं। वो रथ यात्रा के दौरान गुणीचा मंदिर अपनी मौसी के घर जाते हैं, फिर 10वें दिन पुनः अपने स्थल पर लौट आते हैं। नंबर 11, रथ खींचने से मिलता है यह पुण्य। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। तो ये थी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।